हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर गुवाहाटी में। तो देखो, लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों को कराया था, जहां पे मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का बेसिक्स करवाया था, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड होते हैं, कैसे उन सबको स्टडी करना है, वो सारा मैंने बताया था। प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से कैसे आप लोग ग्रुप और पीरियड ये कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और मैंने वहां पे आपको बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट के ग्रुप और पीरियड को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो कोई बड़ा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, जैसे अगर किसी का एटॉमिक नंबर 88 है, या फिर मान लो अगर किसी का एटॉमिक नंबर 102 है, ऐसे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना क्या है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसको बिना लिखे हुए कैसे भी किसी एलिमेंट का पीरियड या फिर ग्रुप कैसे डिसाइड कर सकते हो, उसको आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी ये पीरियड और ग्रुप फाइंड करना कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है, मतलब वो कौन से पीरियड में बिलोंग करता है या फिर कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, वो आप आसानी से कैसे फाइंड कर सकते हो। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि किसी भी एलिमेंट का पीरियड या फिर ग्रुप निकालने में। तो चलो इसको समझते हैं, इसको मैं डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये इनर्ट गैस जो होता है, इनर्ट गैस आपको याद कर लेना पड़ेगा, सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। इसका याद करने का तरीका ऑलरेडी मैंने बताया है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, आप इसको इस तरीके से याद रखना कि हेमा, नेहा और करीना का एक्सरे रंगीन, इस तरीके से हम लोग इसको याद रखते हैं। अभी इसका एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे, तो देखो हीलियम का तो सबको याद रहता है क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद आपने एक मैजिक नंबर पढ़ा होगा, क्या होता है, 2 8 8 18 18 32 32, मतलब यहाँ पे 2 ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे 8 प्लस करेंगे तो इसका कितना आएगा, 10 आएगा। इसमें अगर आप 8 प्लस करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसमें मुझे फिर क्या करना है, 18 प्लस करना है तो ये आएगा 36। फिर इसमें आपको 18 प्लस करना है तो ये आ जाएगा 54। फिर आप इसमें क्या करोगे, 32 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 86। और फिर आप इसमें 32 प्लस करोगे तो आपको ये आ जाएगा 118। तो ये आपको सभी इनर्ट गैस के एलिमेंट का क्या हो गया, आपने एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख लिया। साथ में आपको ये पता होना पड़ेगा ये फर्स्ट पीरियड में होता है, ये सेकेंड में, जैसा जो सिक्वेंस में है, थर्ड में, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और क्या हो गया, सेवन। अभी जैसे मान लो मेरे पास एक एटॉमिक नंबर है 49, इसका आपको पीरियड बताना है कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो बस आपको इतना देखना होगा कि ये 49 के पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है। तो आप क्या देख रहे हो, 49 के पहले जो इनर्ट गैस आएगा वो क्या होगा, क्रिप्टन होगा। क्योंकि 49, 36 और 54 इसके बीच में कहीं ना कहीं नहीं मिलता है, मतलब 36 के क्या है, ये बाद है। तो इसका मतलब देखो, 36 क्रिप्टन जो है वो कौन से पीरियड में, फोर्थ में है, तो ये इसका जो पीरियड होगा जस्ट उसमें 1 प्लस कर दोगे, मतलब ये कौन से वाले पीरियड में बिलोंग करेगा, ये फिफ्थ पीरियड में बिलोंग करेगा। अभी देखो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो इनर्ट गैस होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के सबसे एंड में होते हैं, मतलब वहां पे क्या होता है, वो पीरियड खत्म हो रहा होता है। तो अभी अगर मान लो 36 पे वो पीरियड खत्म है, तो ऑब्वियसली जो एलिमेंट 36 के बाद होगा वो क्या होगा, उसके बाद वाले पीरियड में होगा। तो इसलिए हम लोग ये क्या सेलेक्ट कर लिए, फिफ्थ पीरियड। जैसे मान लो ये 88 है, तो हम लोग सिंपली देखेंगे 88 के पहले कौन सा वाला इनर्ट गैस है, तो ये होता है रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 86 है, और ये कौन से पीरियड में, सिक्स्थ में। तो ऑब्वियसली ये सिक्स्थ के एंड में था, तो ये कौन से वाले में होगा, ये होगा 1 प्लस कर देना है बस आपको, ये होगा 7 पीरियड में। अभी जैसे 112 का मुझे पता करना है, तो ऑब्वियसली वो 86 के बाद ही है और इसके पहले में है, तो सिक्स्थ के बाद है तो कौन से वाले पीरियड में होगा, तो ये भी क्या होगा, 7th पीरियड में होगा। इस तरीके से हम लोग पीरियड आराम से बता सकते हैं। तो देखो, पीरियड आराम से सभी बता लेते हैं। अभी हम लोग ग्रुप का बात करते हैं, इसको आपको थोड़ा अच्छे से सीखना है। देखो, वही मैंने सबका एटॉमिक नंबर ऑलरेडी आपको बता दिया कैसे निकालना है। अभी देखो, जैसे ग्रुप के लिए बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि 18 माइनस डिफरेंस, ठीक है। अभी ये क्या है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो वही 49 वाले का इस बार मुझे क्या करना है, ग्रुप पता करना है। तो ग्रुप पता करते टाइम आपको क्या करना है, जैसे देखो ये आपको देखना है कि ये 36 के तो बाद में है, इस बार क्या करेंगे, देखेंगे 49 के बाद में कौन सा वाला इनर्ट गैस आता है। 49 के बाद देखो, ये 49 यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा 36 और 54 के बीच में, तो इसके बाद का जो इनर्ट गैस है वो कौन सा है, 54 वाला है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये डिफरेंस निकालना है, किसका डिफरेंस, ये 54 और ये 49, इसका डिफरेंस। तो ये डिफरेंस कितना आ गया, ये डिफरेंस आ जाएगा 5। तो ये डिफरेंस आया, ग्रुप नंबर नहीं आया। ग्रुप नंबर कैसे आएगा, तो ग्रुप नंबर के लिए आपको क्या करना है, 18 में से क्या करना है, ये वाला डिफरेंस को माइनस करोगे, तो 18 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये
13 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो ग्रुप था वो कौन सा था, 13 ग्रुप में बिलोंग करता है। इस तरीके से आप आराम से याद कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे ये एक और ले लेते एग्जाम्पल 83 वाला। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी कराते जाता हूँ ताकि आप लोग भूलो नहीं। तो 83 वाला है, तो अभी देखो 83 के बाद कौन सा इनर्ट गैस आता है, तो ये आता है 86। तो आपको सबसे पहले 86 और 83 का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो ये कितना डिफरेंस क्या आएगा, 3। लेकिन देखो याद रखना है डिफरेंस जो होता है ग्रुप नंबर नहीं होता है। ग्रुप नंबर निकालने के लिए सेकंड स्टेप क्या करना है, 18 माइनस क्या करेंगे, ये डिफरेंस करेंगे। तो ये कितना आ गया, 15। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 15th ग्रुप में बिलोंग करता है। और एक दो एग्जांपल, जैसे बहुत लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर ये डिफरेंस मान लो 18 से बड़ा हो गया तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप सिंपली इस तरीके से याद रखना, वो जो 18, देखो 18 के बाद क्या मैजिक नंबर था, 32। तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, 32 माइनस डिफरेंस कर लेना है। एक एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे देखो ये 88 वाला, ठीक है 88 वाले का मुझे पता करना है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा 88 के बाद में कौन सा इनर्ट गैस आता है। तो देखो 88 के बाद में क्या आएगा, ये 118 आएगा। तो मुझे करना है क्या, सबसे पहले 118 और 88 इसका मुझे डिफरेंस निकाल लेना है। इसका डिफरेंस क्या हो गया, आप देखोगे इसका डिफरेंस आ गया 30, जो कि 18 से बड़ा था। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे 32, इस बार क्या करेंगे 32 से क्या करेंगे, इस 30 को माइनस करेंगे, तो इसका क्या आएगा, ये सेकंड आएगा। इसका मतलब ये जो एटॉमिक नंबर 88 वाला है वो कौन से वाले ग्रुप में बिलोंग करते हैं, सेकंड ग्रुप में बिलोंग करते हैं। अभी देखो इसका कुछ एक्सेप्शन है, कोई भी चीज हम लोग कंप्लीट सीखते हैं। तो देखो एक्सेप्शन में क्या है, ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड वाला, ठीक है। इसका देखो पीरियड नंबर तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके थ्रू आप बता सकते हो। जैसे ये लेंथेनाइड नॉर्मली कहां से आता है, 58 से लेके 71 तक वाला जो एटॉमिक नंबर है वो लेंथेनाइड में आता है। तो ये आप आराम से निकाल सकते हो, जैसे देखो 58 है तो ऑब्वियसली 54 के बाद होगा, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 के बाद है, तो ये क्या होगा, ये 6th पीरियड, ठीक है। और ये 90 के बाद है तो ऑब्वियसली इसके बाद होगा, तो ये कौन सा पीरियड में होगा, ये 7th पीरियड में होगा। लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि ये जो दोनों होता है, इन दोनों का जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, ये 3rd ग्रुप में बिलोंग करता है। अभी ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग डिटेल में जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पूरे वन शॉट में पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं अच्छे से बता दूंगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखना भी मैं आपको वहां पे सिखा दूंगा। तो इस तरीके से देखो आप किसी भी एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट हम लोग को भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।